वो ऐसे मुद्दे जो हमारे भावनात्मक मुद्दे थे, हमारे सांस्कृतिक मुद्दे थे, वो मुद्दों का भी समाधान हमारी सरकारों ने दिया है। हमारी दिल्ली की सरकार, हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार, मित्रों अमित शाह जी जो सदस्यता के लिए उत्तर प्रदेश में आए थे, उन्होंने इस बात को कहा भी था कि 2024 में भी नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री एक बार फिर से बनाना है तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाना है। हम सब जिम्मेदार कार्यकर्ता है। हमारे ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी है। यह पार्टी किसी के परिवार की पार्टी नहीं है, यह पार्टी किसी जात विशेष की भी पार्टी नहीं है, यह पार्टी हम सब कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हम सब कार्यकर्ता ही इस पार्टी को चलाते हैं। हम सब कार्यकर्ताओं की ताकत पर ही एक कार्यकर्ता इस देश का प्रधानमंत्री बनता है, कार्यकर्ता इस देश का मुख्यमंत्री बनता है। किसी के परिवार विशेष की संपत्ति नहीं होती है। जैसे कि आप सबने देखा कि समाजवादी पार्टी तो मुलायम के बाद अखिलेश को ही आना है, बहुजन समाजवादी पार्टी बहन जी के बाद उनके भतीजे को ही आना है, या वो जिसको तय करे अपने घर से। कांग्रेस में तो राहुल सोनिया के बाद कभी तीसरे को ढूंढे नहीं पा रहे, ये हम सबके सामने है। लेकिन आज की पार्टी में हमारे आपके बीच में निश्चित रूप से हमारे आपके बीच से निकल कर कोई आगे जाएगा, कौन होगा मालूम ही नहीं किसी को। तो जिस दिन जिसका भाग्य खुलता है वो एक बूथ अध्यक्ष निकल के इस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता है। निश्चित रूप से जिस प्रकार से माफियाओं के जो नाक पे जो नकेल डाली गई है, या सीधी भाषा में बोलो कि आज आपके पूर्वांचल के सबसे बड़ा गुंडा, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया जो मुख्तार अंसारी जो हुआ करता था, आप बताइए योगी आदित्यनाथ जी ना होते तो कोई दूसरे की हिम्मत नहीं थी इसके ऊपर हाथ डाल ले। कोई छोटा काम हुआ है उत्तर प्रदेश में। और ये भी कहने को तो कोई कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी बोलते हैं। और भले ही राम मंदिर का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के पास हुआ होता, लेकिन उत्तर प्रदेश में सरकार भाई योगी आदित्यनाथ की ना होती तो क्या संभव था? संभव ही नहीं था। किस प्रकार से आने वाले दिनों में भी राजनीति वो एक वर्ग विशेष के बीच में, खासकर एक संप्रदाय विशेष के बीच में जाकर यदि वो समाजवादी पार्टी वाले वोट मांगते हैं तो उसके पीछे बड़ा इस बात को बोलते भी हैं, यदि हमारी सरकार आई तो हम राम मंदिर को रोक देंगे। आज उसी के लिए तमाम सारे सरकार के राम लेगा के जमीन को लेकर कहीं कोई मामला कहीं कोई मामला इस प्रकार से उठाए जाते हैं। अरे जमीन खरीदना